आदाब नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मौजूद हूं, जहां बिहार का मशहूर सांस्कृतिक मेला लगा हुआ है, जिसे पुस्तक मेला हम लोग कहते हैं, यानी कि पुस्तकों का महाकुंभ। ये पुस्तक मेला 2 दिसंबर यानी आज से अगले 13 दिसंबर तक जारी रहेगा। तो अगर आप लोग भी पुस्तक प्रेमी हैं तो इस पुस्तक मेले में आकर अपने मन चाहे पुस्तक को खरीद सकते हैं। और आज मैंने हालांकि बहुत सारी किताबें खरीदी है, लेकिन उनमें से एक किताब है जो कि अदम गोंडवी का है, और ये एक ऐसे कवि हैं जिनको कि आम लोगों का कवि कहा जाता है, जिनकी कविताओं का संग्रह समय से मुठभेड़। इससे मैं कविता को पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिएगा। भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गज़ल माशूक के जलबों से वाकिफ हो गई, जो गज़ल माशूक के जलबों से वाकिफ हो गई, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। मुझको नज़्मो ज़ब्त की तालीम देना बाद में, मुझको नज़्मो ज़ब्त की तालीम देना बाद में, पहले अपनी रहबरी को आचरण तक ले चलो। खुद को ज़ख्मी कर रहे हैं गैर के धोखे में लोग, खुद को ज़ख्मी कर रहे हैं गैर के धोखे में लोग, इस शहर को रोशनी के बागपन तक ले चलो। वाह वाह करिए ना आप, क्या कैमरे के पीछे खड़े हैं। खुद को ज़ख्मी कर रहे हैं लोग गैर के धोखे में, इस शहर को रोशनी के बागपन तक ले चलो। भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। नमस्कार, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।